यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। तो राजस्थान का भूगोल किस तरीके का है? तो यहाँ पर राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, आकार, विस्तार, जिले और संभाग। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की वनस्पति पढ़ेंगे। और राज्य में वन्य जीव और अभयारण्य पढ़ेंगे। राजस्थान की मृदा कैसी है वो पढ़ेंगे हम। और राजस्थान में कृषि का क्या रूप है वो हम सब चीज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें राजस्थान की स्थिति और आकार के बारे में। तो यहाँ पर विषम कोणीय चतुर्भुज टाइप की राजस्थान की आकृति है। और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर यहाँ पर राजस्थान में स्टार्ट करें हम, उत्तर में कोणा गांव से स्टार्ट होता है। कोणा गांव कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। तो उत्तर से कोणा गांव में ये स्टार्ट होता है। और उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है राजस्थान की वो 826 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम चले दक्षिण में, तो दक्षिण में ये बोरकुंडा गांव जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, दक्षिण पॉइंटिस का, और 826 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण क्या है इसकी लंबाई है। अब पूरब से पश्चिम हम देखते हैं। पूरब से पश्चिम यहाँ पर 869 किलोमीटर लंबाई है। और पूरब से पश्चिम में 869 किलोमीटर लंबाई में हम पूरब का जो जगह देखें, तो पूरब का जगह है यहाँ पर सिलाना। तो सिलाना ये जगह है राजा खेड़ा धौलपुर के अंदर, ये जो सिलाना जगह है ये पूरब का पॉइंट है राजस्थान का। और इधर हम देखें पश्चिम का पॉइंट, तो पश्चिम का पॉइंट है यहाँ पर जैसलमेर के अंदर है, कटारा समगांव में है। समगांव के अंदर कटारा नामक जगह है जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर ये पश्चिम का पॉइंट है। तो पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है? 869। और उत्तर से दक्षिण कितनी है यहाँ पर? 826। तो इसका मतलब पूरब से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है। अब हम बात करें पाकिस्तान के साथ में, जैसे कि पूरब यहाँ पर पश्चिम और उत्तर के बीच में यहाँ पर पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1,070 किलोमीटर राजस्थान से। फिर यहाँ पर पंजाब की सीमा लगती है, पंजाब। और इधर हम देखें यहाँ पर हरियाणा की सीमा लगती है ये। और इधर हम देखें यहाँ पर थोड़ी सी सीमा है ये उत्तर प्रदेश की लगती है। और उधर हम देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है यहाँ पर इस जगह पर। और इधर हम देखें गुजरात की सीमा राजस्थान से लगती है। अब यहाँ पर अगर नदियों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये थार का मरुस्थल ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर थार का मरुस्थल कहलाता है ये। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा ये थार का मरुस्थल कहलाएगा। ऊपर हम देखें ये ऊपर, यहाँ पर इस लाइन से ऊपर ये गग्गर के मैदान कहलाएंगे राजस्थान में, गग्गर के मैदान। और यहाँ पर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के बीच में। फिर थार के मरुस्थल के नीचे हम देखें राजस्थान का वागड़ इस क्षेत्र को कहा जाता है यहाँ पर। और लूनी और बेनसवी इसको कहते हैं। फिर उसके बाद में आबू यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश आ जाता है यहाँ पर। और वीरट का पठार आ जाता है या आबू का पठार आ जाता है इस जगह पर, ये हमारा कहलाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके नीचे हम देखें यहाँ पर, उसके नीचे आ जाता है यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग है, जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग आ जाता है इस क्षेत्र में। तो भरतपुर वाला क्षेत्र ये पूर्वी बनास बेसिन आ जाता है यहाँ पर। मध्य माही मैदान आ जाते हैं यहाँ पर। फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर। फिर यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाते हैं, नीचे की साइड हम देखें यहाँ पर बांसवाड़ा जलवाड़ा में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाते हैं। तो हाड़ौती का पठार यहाँ पर है, डक्कन का पठार यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो राजस्थान को हम बांटा है, तो यहाँ पर कैसे बांटा है? गग्गर का मैदान है ऊपर ही ऊपर, उसके बाद में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बाद में राजस्थान का बागड़ कहा जाता है, उसके बाद में है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में है पूर्वी मैदानी भाग, और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाता है। और इस तरीके से इस राजस्थान को भौतिक सीमा है उसको बांटा गया है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर राजस्थान के भूगोल में, राजस्थान की आकृति है वो अनियमित है, विषम कोणीय चतुर्भुज मानी गई है। और यहाँ पर इसका नामांकन जो हुआ है राजस्थान का, जैसे कि मरु कांतर राजस्थान को कहा जाता है। मरु प्लस कांतर, मरु मतलब होता है रेगिस्तान, कांतर मतलब कोई विशेष स्थान। तो रेगिस्तान का विशेष स्थान हमारा क्या कहलाएगा? राजस्थान कहलाएगा। अर्थ हम देखें मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर कहलाएगा मरु कांतर। या उल्लेख इसका किया गया है विष्णु पुराण और रामायण में, इसका उल्लेख है कि
किया गया है। राजपूताना की बात करें, राजपूताना ये व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस, इसने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, सन 1800 में इसका प्रयोग किया था। कारण क्या था? राजपूतों का शासन, इसको राजपूताना बोलने का कारण था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। राजपूताना क्यों बोला गया था? क्योंकि ये राजपूतों का शासन करता था, और आधुनिक काल का प्राचीनतम नाम है ये राजपूताना। फिर हम बात करें राजस्थान की, जिसे राजस्थान भी कहते हैं, ये राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था? राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कब लिया था? 1829 ईस्वी में। और पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में ये पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी। इसमें ये राजस्थान शब्द का प्रयोग है, कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। और यहाँ पर विशेष क्या बात है, राजस्थान का नवीनतम नाम इसको माना जाता है, राजस्थान को। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति में दो तरह की राजस्थान की स्थिति है, एक तो निरपेक्ष है, एक सापेक्ष है। सापेक्ष में हमारा धरातल आ जाता है, धरातल में हमारा दिशा और दूरी आ जाती है, और निरपेक्ष में हमारा आ जाता है ग्लोब। ग्लोब के अंदर हम देखें, ग्लोब में हमारे अक्षांश आ जाते हैं, देशांतर आ जाते हैं। देशांतर हमारी सीधी जो खड़ी लाइन है वो देशांतर कहलाती है, अक्षांश हमारे इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि आगरा है, 1 डिग्री में आगरा है, आगरा में 4 मिनट का अंतर यहाँ पर होता है। अगर हम अक्षांश में बात करें, अक्षांश में 1 डिग्री का जो अक्षांश का अंतर है वो 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री का अंतर यहाँ पर आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति की बात करें यहाँ पर, तो अक्षांश हमारा 23 डिग्री, 23 3 से उत्तरी से लेकर के 30 12 उत्तरी तक राजस्थान का अक्षांशीय क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर स्थान की बात करें तो 23 3 है ये बोरकुंड में है, यहाँ पर दक्षिण का सिरा है, और इधर हम कोणा कोणा गांव है, उत्तर का सिरा है, ये उत्तरी अक्षांश में है दोनों के दोनों। जैसे अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में ये हमारे सिरे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि तहसील की बात करें, तो तहसील यहाँ पर बोरकुंड है, ये कुशलगढ़ तहसील में है, यानी कि अक्षांश के अकॉर्डिंग, और इधर कोणा गांव है, श्रीगंगानगर में है। जिला की बात करें तो कुशलगढ़ है, ये बांसवाड़ा जिला लगता है यहाँ पर, और इधर यहाँ पर श्रीगंगानगर जिला लगेगा। दूरी की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की दूरी 826 किलोमीटर है, तो ये दक्षिण से 23.3 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 12 उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करें हम, तो देशांतरीय स्थितियों में राजस्थान है 69.30 पूरब से 78.17 पूरब तक फैला हुआ है। और यहाँ पर स्थान है राजस्थान का, देशांतरीय स्थिति का स्थान है कटरा से, यहाँ पर स्टार्ट होता है और ये छिलाना तक जाता है। तहसील की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का देशांतरीय स्थिति में तहसील है वो सम है कटरा की, और इधर छिलाना की राजखेड़ा है। अगर हम सम तहसील को देखें तो ये जिला है जैसलमेर में, यानी कि पश्चिमी छोर है 69.30, और इधर 78.17 उत्तरी छोर है, तो यहाँ पर हम पूर्वी छोर है, तो पूर्वी छोर है ये धौलपुर में है। तो दूरी की बात करें, पश्चिम से पूरब की दूरी राजस्थान की 869 किलोमीटर है। राजस्थान की सापेक्ष स्थिति की बात करें तो सापेक्ष स्थिति में हम देखें एकीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले एकीकरण में शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को शुरू होता है, और समाप्त होता है एकीकरण 1 नवंबर 1956 को। चरण 7 चरणों में हुआ था। टोटल जिले उस टाइम पर बने थे 26 जिले, अजमेर यहाँ पर उस टाइम पर 26वां जिला था। फिर बात करते हैं कुछ और जिले बने हैं, जैसे कि 27वां जिला धौलपुर बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। फिर यहाँ पर 28 29 30 एक साथ जिले बने थे, दौसा, बारा और राजसमंद, ये जिले बने हैं दौसा, बारा और राजसमंद, ये 10 अप्रैल 1991 को बने हैं। फिर यहाँ पर 31वां जिला बना है हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। फिर 32वां जिला बना है करौली, ये सवाई माधोपुर में से बनाया गया था 19 जुलाई 1997 को। और फिर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनाया गया था 33वां जिला। तो अब वर्तमान में 33 जिले हैं राजस्थान में। पाली की बात करें तो पाली यहाँ पर सर्वाधिक 8 जिलों की स्पर्श करता है यहाँ पर। और स्पर्श के अकॉर्डिंग बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि ऊपर वाला सिरा हम देखें, जैसे दो आते हैं हनुमान
हमारे पास में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो श्री गंगानगर और हंडा हनुमानगढ़ है, इसकी सीमा किससे लगती है? पंजाब से लगती है। इधर हम बात करें बीकानेर जो जोधपुर जैसलमेर, इनकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यहाँ पर ये जो रेखा बनाती है पाकिस्तान के साथ में, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1,070 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर चार जिले लगते हैं राजस्थान में हाईएस्ट, चार जिले हाईएस्ट कौन लगते हैं? बाड़मेर और जैसलमेर, ये हाईएस्ट लगते हैं पाकिस्तान से। और सबसे कम कौन कौन से लगते हैं? बीकानेर और श्रीगंगानगर, 464 किलोमीटर लगते हैं, और हाईएस्ट लगते हैं बाड़मेर और जैसलमेर। और यहाँ पर हम देखें कि इधर हम देखें 6 जिले लगते हैं गुजरात से। गुजरात से राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से लगते हैं? एक तो लगता है बांसवाड़ा, ये जिला है बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये 6 जिले हैं। यहाँ पर किससे लगते हैं? गुजरात से लगते हैं। मध्य प्रदेश से टोटल 10 जिले लगते हैं यहाँ पर। तो 10 जिले हम देख सकते हैं कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर, जैसे कि धौलपुर से स्टार्ट करते हैं हम, ये धौलपुर भी यहाँ पर अटैच है। धौलपुर, करौली, ये करौली भी यहाँ पर अटैच है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर भी यहाँ पर अटैच है। फिर कोटा, नीचे आ जाते हैं, कोटा भी यहाँ पर अटैच है, ये वाला सिरा कोटा हो जाएगा। कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद में आ जाता है झालावाड़ा, झालावाड़ा के बाद में यहाँ पर आया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा। तो झालावाड़ा सबसे हाईएस्ट टच करता है यहाँ पर, फिर भीलवाड़ा है सबसे लो टच करता है यहाँ पर, भीलवाड़ा, फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये सारे जिले हैं यहाँ पर टच करते हैं। इधर गुजरात के अकॉर्डिंग बात करें तो गुजरात में डूंगरपुर सबसे हाईएस्ट टच करता है और बाड़मेर सबसे लो टच करता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, इधर की बात करें हरियाणा की साइड बात करें तो हरियाणा में कुल कितने जिले लगते हैं यहाँ पर? 7 जिले लगते हैं राजस्थान से हरियाणा के। तो कौन कौन से लगते हैं? हनुमानगढ़ लगता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। यहाँ पर जयपुर सबसे कम लगता है हरियाणा से, ये जयपुर इतना सा लगता है यहाँ पर। और बात करें हाईएस्ट लगता है हनुमानगढ़, हरियाणा के अकॉर्डिंग हाईएस्ट हनुमानगढ़ लगता है। फिर उत्तर प्रदेश से 2 जिले लगते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से लगते हैं? एक तो यहाँ पर हाईएस्ट लगता है भरतपुर और लोएस्ट लगता है धौलपुर। तो इस तरीके से जिले हैं भारत राजस्थान के। बाकी जो स्टेट हैं जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पाकिस्तान है, उनसे टच करते हैं, पंजाब से टच करते हैं। पंजाब से यहाँ पर सिर्फ 3 ही जिले, 2 जिले टच करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर लो है और हनुमानगढ़ हाई है। तो हनुमानगढ़ इधर हरियाणा से सबसे ज़्यादा टच करता है और पंजाब में भी सबसे ज़्यादा टच करता है। इधर हम बात करें पाकिस्तान की साइड, हाईएस्ट जैसलमेर टच करता है और लोएस्ट है बीकानेर टच करता है। तो इसमें देखें हम राज्य और जिलों की संख्या और जिलों के नाम, जैसे पंजाब से 2 जिले टच करते हैं कौन कौन से? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा है, श्रीगंगानगर सबसे कम है। हरियाणा से 7 जिले टच करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा और जयपुर सबसे कम। उत्तर प्रदेश के 2 जिले टच करते हैं, भरतपुर सबसे ज़्यादा, धौलपुर सबसे कम। मध्य प्रदेश के 10 जिले टच करते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ा सबसे ज़्यादा टच करता है, फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा सबसे कम टच करता है, फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। गुजरात के 6 जिले टच करते हैं यहाँ पर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर सबसे कम है यहाँ पर और उदयपुर सबसे ज़्यादा है। राजस्थान के 2 जिले जो 2 राज्यों की सीमा बनाते हैं, एक तो हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा की सीमा बनाता है, एक भरतपुर है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है, एक धौलपुर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है, एक बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा बनाता है, एक बाड़मेर है जो गुजरात और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। ये अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ये, और पंजाब और पाकिस्तान की सीमा श्रीगंगानगर बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें हम, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा में कुल यहाँ पर राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो आ जाती है 5,920 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ में जो टच करती है राजस्थान की 1,070 किलोमीटर टच करती है, यानी स्पर्श करती है। भारतीय राज्यों की जो सीमा है वो है 4,850 किलोमीटर। कुल 5 राज्य हैं जो सर्वाधिक यहाँ पर सीमा है, जैसे मध्य प्रदेश की 1,600 किलोमीटर है,
न्यूनतम है पंजाब की 89 किलोमीटर। समीप सीमावर्ती जिले हम देखें, कुल 25 जिले हैं जो सीमा पर आते हैं, उसमें सर्वाधिक जैसलमेर का टच करता है बार और न्यूनतम भीलवाड़ा का टच करता है। अंतर्राज्य जिले हम बात करें, कुल 23 हैं जो अंतर्राज्य जिले हैं, यानी जो सर्वाधिक झालावाड़ा है जो किसी दूसरे राज्य से टच करते हैं, अंतर्राज्य को 23 जिले टच करते हैं और सबसे कम बाड़मेर टच करता है। नेक्स्ट हम देखें कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा का जो अक्षांश है 23.30 उत्तरी में है ये, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर ये जिले से होकर राजस्थान में गुजरती है। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। विशेष हम देखें यहाँ पर कर्क रेखा का जो आसपास का क्षेत्र है वो शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा माना जाता है, और सूर्य की तिरछी किरणें यहाँ पर सर्वाधिक श्रीगंगानगर में पड़ती हैं और सबसे कम है यहाँ पर बांसवाड़ा में पड़ती हैं। जिले की बात करें तो मरुस्थलीय जिलों में कौन कौन से आ जाते हैं? मरुस्थलीय जिलों में आते हैं नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, और जबकि पर्वतीय जिलों की बात करें तो पर्वतीय में आते हैं अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, ये पर्वतीय जिले में आ जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है और छोटा है यहाँ पर जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, छोटा है धौलपुर। राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में और बाद में होता है जैसलमेर में, इन दोनों के बीच में अंतर है 35 मिनट का। अगर हम बात करें संभाग व्यवस्था की, तो संभाग व्यवस्था में हम देखें टोटल राजस्थान में कितने संभाग हैं? टोटल 7 संभाग है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। तो जयपुर में 5 जिले आते हैं, कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। जोधपुर में 6 संभाग आते हैं, धौलपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर में 4 जिले आते हैं, जैसे बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में 4 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। उदयपुर में 6 जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा आते हैं, और भरतपुर में यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें संभाग शुरू की बात करें तो 1750 में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ये संभाग यहाँ पर शुरू होते हैं 1950 में। समाप्त की बात करें तो समाप्त कहाँ पे होते हैं? 1962 में मोहनलाल सुकड़िया सरकार यहाँ पर संभागों को समाप्त करती है। फिर यहाँ पर शुरू होते हैं 26 जनवरी 1987 को छठा, अजमेर में यहाँ पर स्टार्ट होता है, अजमेर में हरिदेव जोशी सरकार यहाँ पर स्टार्ट करती है। 4 जून 2005 को ये भरतपुर में 7वां संभाग बनता है, छठा संभाग है 26 जनवरी 1987 को बनता है अजमेर में, हरिदेव जोशी सरकार इसको बनाती है। नेक्स्ट हम देखें कि जैसे संभागों की बात हम कर रहे हैं तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आता आगे यहाँ पर कौन कौन से? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर संभाग में यहाँ पर टोटल कितने जिले आ गए? 4, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। जयपुर संभाग में टोटल 5 जिले आ गए हैं, कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। भरतपुर संभाग में 4 जिले आ गए हैं, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। कोटा संभाग में 4 जिले आ गए हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ा। जोधपुर संभाग में 6 जिले आ गए हैं, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। उदयपुर संभाग में 6 जिले आ गए हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद। नेक्स्ट हम बात करें संभाग का सर्वोच्च अधिकार किसे दिया गया है? संभाग का सर्वोच्च अधिकार प्रशासन यहाँ पर संभागीय आयुक्त होता है, और पुलिस में यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक होता है जिसे IGP भी कहते हैं कानून के अंदर। जिले का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर प्रशासन में जिला कलेक्टर होता है, IAS अधिकारी जिले की बात करें, और कानून के अंदर SP होता है पुलिस निरीक्षक। नेक्स्ट हम देखें राज्य का सर्वोच्च अधिकार की बात करें तो राज्य का सर्वोच्च अधिकार मुख्य सचिव को होता है प्रशासन में, और कानून में पुलिस महानिदेशक यानी DGP का होता है। राज्य की आंख जिला कलेक्टर होता है यहाँ पर, और जिले की आंख होता है SDM यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट, ये जिले की आंख माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो अब तक हमने स्थिति देखी है राजस्थान भूगोल में,